आप इसमें ज़्यादा ध्यान देने का आवश्यक नहीं है कि इसके साथ फेस का साथ जो मॉडल का फेस का कोई मिलजुल हो रहा है नहीं, लेकिन आपका मेन एम्फेसिस होगा जो फिगर कैसे बैठा है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने पहले ही कहा हर आदमी का, हर इंसान का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और एज, ये एक यंग मैन है, युवा पुरुष है, तो इसी हिसाब से उनका फिगर में भी वो चीज़ आना चाहिए। ये नहीं लगे कि ये 10 साल के बच्चे के है या 60 साल का बुढ़ा का है। सो यू हैव टू टेक केयर ऑल दिस थिंग्स व्हेन यू मेकिंग ए लाइफ स्टडी। लाइफ स्टडी इज़ इम्पॉर्टेंट इसीलिए कि बाद में आप जब कंपोजिशन बनाओगे तो ये सारे स्टडी आपका बहुत काम में आ जाएगा। इसी की साथ ही, इसी की हेल्प से ही अपने कंपोजिशन बना सकेंगे। नाउ द आर्टिस्ट स्टार्टेड गिविंग शेडिंग। अलग अलग शेडिंग के लिए अलग अलग पेंसिल का यूज़ होगा। नाउ ही इज़ यूजिंग 2B, एंड जब और भी डार्कर टोन का ज़रूरत होगा ही विल यूज़ 4B, एंड इन द लास्ट फेज ही विल यूज़ 6B। नाउ द ड्राॅइंग इज कॉम्प्लीट। ड्राॅइंग खत्म हो चुका है लाइफ स्टडी का, अब शेडिंग भी हो चुका है। अब तो जो स्टूल में वो बैठे हैं उसे बनाना है, वो बना रहे हैं। और बैकग्राउंड सिंस इज डार्क, उसमें थोड़ा डार्क देने से वो फिगर भी थोड़ा आगे आ जाएगा। सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल जो पीछे जो बैकग्राउंड थोड़ा डार्क हो, कि सारे ऑब्जेक्ट, चाहे वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ड्राइंग में हो या ह्यूमन फिगर में हो, थोड़ा सा ब्लैक बैकग्राउंड होगा तो वो आगे प्रोजेक्ट हो जाता है। अब वही काम आर्टिस्ट करेंगे। द लाइफ स्टडी इज नाउ कंप्लीट। नाउ आर्टिस्ट इज यूजिंग हिज मोस्ट थिक पेंसिल, दैट इज 9B, टू गेट द डार्क टोन इन द बैकग्राउंड व्हिच इज गिविंग ए रिलीफ टू द फिगर। नोटिस हाउ ही हैज कैप्चर्ड द यूथफुल अपियरेंस ऑफ द मॉडल, द little bent sitting posture of the young man on a stool, and also his expression on the face। अब ये लाइफ ड्राइंग आपका कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ा नोटिस करो कि किस तरह से कलाकार ने इसकी बैठने की पोस्चर, फिर इसकी जो कैरेक्टर और इसके जो यूथफुलनेस किस तरह से उन्होंने कैप्चर किया।